हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? अभी सुबह के 11:12 हुए हैं और कल हम रूम से निकले थे 11:48 पे। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हो आ जाओ तुम यहां। दो पल की है दिलों की दास्तां और चल। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? मिट्टी का है कुछ, इसमें शायद आग भी जला रखी है, धुआं निकल रही है। मेरी आवाज़ शायद कम ही आ रही होगी आपको क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराब आया साधनों का। ये शायद तंदूर बन रहे हैं मुझे लगता है। रूम से बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि रूम से बस स्टैंड ज़्यादा दूर है नहीं और वहाँ से हमें फिर अमृतसर के खालसा कॉलेज जाना है। आप तो आ गए भाई साहब, कह रहे मेरी फोटो था नहीं यार, तुम इधर घुमा रहे हो कैमरा। अमृतसर का खालसा कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है खालसा कॉलेज फॉर वुमन। और अभी यहाँ से एक हेलीकॉप्टर निकला लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं पाया, तो अभी कॉलेज का काम ख़त्म करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। जयपुर और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलते हैं, उसी तरह से अमृतसर में मेट्रो बस चलती है और ये है मेट्रो बस स्टैंड, अमृतसर मेट्रो बस। तो अब की बार हम भी बस से ही जाएंगे यहाँ से बस स्टैंड तक। 15 दिसंबर 2016 से चालू हुई है शायद ये, और यहीं पर टिकट काउंटर है। टिकट लेके अंदर मेट्रो की तरह इसमें अंदर जाने का बना हुआ है। देखिए यहाँ पे गार्ड लगे हैं, मेट्रो की तरह टिकट मिल रहे हैं यहाँ पे। अभी 60 रुपये ले लिए ना और 10 रुपये में दो लोग जाएंगे। ओ, 10 रुपये में दो लोग? हाँ। वाई गॉड, हम आए थे यहाँ पे 60 रुपये में और 10 रुपये में दो लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये तो बहुत सस्ता ही पड़ गया। आज सुबह की हमारी पहली खुराक एक बोतल लिमका। अविन भाई खाना खा रहे हैं, हमने लो जी इतने बैठो, लेकिन हम अभी खाना खाएंगे नहीं। मेरा आज सुबह से पेट में दर्द है तो मैं एक बोतल लिमका पी लूँगा बस। तेरा काम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। हमने एक लिमका ख़त्म कर दी, भाई साहब कह रहे एक हम भी पियेंगे। हमने कहा एक और पियोगे तो हम भी एक पियेंगे तुम्हारे साथ, ऐसा हो सकता है कि तुम पियो और हम ना पिए। बस स्टैंड पहुंच गए हम, ये बस स्टैंड है जो मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया भी था, और पीछे लाइन लगी है। अभिन भाई सबसे लास्ट में खड़े हैं लाइन में, और ये बस अटारी बॉर्डर तक नहीं जाती है, ये बस इंडिया गेट तक जाती है और वहाँ से फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। तो चलिए पहले इस बस में चलते हैं। चलो, अरे एक अपने पास रखो भाई। ये तो वो वाली बात हो गई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज हमारी स्थिति भी ऐसी बन गई है यहाँ, ना तो हम अटारी बॉर्डर पहुँच पाए ना ही हम अमृतसर में हैं, हम बीचों बीच मटक गए। ये है इंडिया गेट, पीछे यहाँ पे एक प्रतिमा लगी है और इधर ये गेट बना है। अब तक मैंने 3 जगह इंडिया गेट देखे हैं, जयपुर में, दिल्ली में और बॉम्बे में। आज यहाँ पे 4th इंडिया गेट देखा है। यहाँ से अटारी बॉर्डर 22 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक जिस सिटी बस में हम आए थे उसमें हमारा 15-15 रुपये किराया लगा, मतलब दोनों का 30 रुपये किराया। तो
नहीं कर पाते चाली दफा फिर अटारी से अभी हम बॉर्डर जा रहे हैं। अंकल जी कितना दूर है यहाँ से भी बॉर्डर? अटारी से 3 किलोमीटर दूर है बाघा बॉर्डर। मैं आगे बैठा हूँ, अवन भाई पीछे बैठे हैं। क्यों भाई? वो पीछे छाया में बैठे हैं, हम यहाँ देखो धूप में बैठे हैं। हमारे यहाँ धूप आ रही है, यहाँ तक धूप है, ऊपर छाया। तो यार हम तो अंदर तक जाएंगे ना, पाकिस्तान तक जाना है। हम कह रहे हैं कि हम धूप में, तुम छाया में, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम क्या मेहनत कर रहे हैं भैया? धूप में बैठ के जा रहे हैं। मेहनत तो वो कर रहे हैं, चला रहे हैं वो। वो तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं। तुम छाया में बैठे फिर भी तुम पसीना पहुंच रहे हो। क्या करें भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर अटारी गांव है रेलवे स्टेशन और आगे अटारी बॉर्डर। आखिरकार हुआ भाई जिसका मुझे डर था, आज वही लाइन मुझे याद आ रही है। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो बॉर्डर हमें बंद मिले, और वही काम हो गया। मोस्टली यहाँ पर 3 बजे परेड शुरू हो जाती है। अभी 4:13 हुए हैं। अगर बॉर्डर खुला होता तो काश हम परेड भी देख पाते, बट अभी बॉर्डर बंद है। देख सकते हैं आप, यहाँ से आगे कोई नहीं जा रहा है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स लगे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है, अरे ब्लर मत हो, भारत पाकिस्तान सीमा 1 किलोमीटर और लाहौर है यहाँ से 23 किलोमीटर दूर। तो लोग जो यहीं से बॉर्डर देख के वापस जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मालूम पड़ा है, ऐसा सुनने में आया है कि 15 अगस्त के दिन बॉर्डर शायद खुल जाएगा। और अभी भी गर्मी में पसीना आ रहा है, हम धूप में खड़े होकर शूट कर रहे हैं वीडियो। जो बैरियर लगे हैं, हम इसके थोड़े से अंदर आए हैं। यहाँ पे बॉर्डर के कुछ तार पड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिए। और अभी मैं आपको फ्लैग दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ दोनों देशों के फ्लैग लगे हुए हैं। इधर तिरंगा लगा हुआ है और इसके जस्ट नीचे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, लेकिन तिरंगा सही दिख रहा है, पाकिस्तान का फ्लैग सही दिख नहीं पा रहा है। यहाँ हमें इस बात का खेद है कि हम अमृतसर आए और अमृतसर से बाघा बॉर्डर तक आए, लेकिन हम बाघा बॉर्डर नहीं देख पाए, ना ही हम यहाँ की परेड देख पाए। और अमृतसर में भी हम जलियांवाला बाग नहीं देख पाए कोविड की वजह से। हम आपसे वादा करते हैं हम दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे, जलियांवाला बाग भी देखेंगे और बाघा बॉर्डर देखेंगे, आपको दिखाएंगे और यहाँ की परेड भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्या कहते हो भाई साहब? सही बात है। आप कहाँ से आए हो? मैं अभी महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र नासिक जिले से, इगतपुर से आया हूँ मैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे बॉर्डर बंद मिला तो? एकदम मतलब एकदम खराब लग रहा होगा। एकदम खराब लग रहा है, और जो ये अपना जो रहता है वो सब निकल गया यहाँ से, कुछ ये नहीं आया, मजा नहीं आया। और ना ही जलियांवाला बाग देख पाया, कुछ भी जलियांवाला बाग ने कुछ नहीं, मतलब जो यहाँ पे जो रहता है वो कुछ नहीं देख पाए यहाँ पे। हम भी राजस्थान से आए, हम भी यहाँ पे कुछ नहीं देख पाए उनकी बात ना। बहुत अभी हमारा ग्रुप आए 10-20 जन का, अपन बहुत एकदम आओगे दोबारा देखने इधर? अभी चालू होने के बाद, अभी बोल रहे थे उनका मीटिंग चल रहा है अभी इधर, 15 अगस्त को खुलने वाला है। हाँ, ऐसा ही हमने हमसे बोला था 15 अगस्त को खुलेगा। हाँ, तो अभी देखेंगे जब खुलेगा, तो अभी ट्रिप नेक्स्ट टाइम जब होगी तब आएंगे जाएंगे हम। चलो जरूर आएंगे दोबारा, हम भी दोबारा आएंगे यहाँ। ठीक है। लो सर, कहा चाय लो, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लो अंकल जी, लो हमारी भी ले लो यार, यहीं रख लो भाई, दो चाय ना। अरे निकाल लो यार जल्दी से, प्लेट देगा अंदर। नाशपाती का बाग, और यहाँ से नाशपाती पैक होके जा रही हैं, बढ़ रही हैं नाशपाती, नाशपाती दुनिया भर की। ये ट्रक लोड होके जा रहा है यहाँ से, आपके लिए भिजवा रहा हूँ, सब मिल बांट के खा लेना, लड़ाई झगड़ा कतई मत करना। ये सारे कैरेट आपके लिए भेज रहा हूँ, देख लो लोड होने लग गए ना। आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। जब हम उधर से बॉर्डर गए थे तो उस समय मैं आगे बैठा था, अविन भाई पीछे बैठे थे, और तब आगे धूप आ रही थी। अब अविन भाई कह रहे कि हम आगे बैठेंगे, तुम पीछे बैठ जाओ। हमने कहा चलो ठीक है। अब देखो हमारे ऊपर धूप आ रही है, इनके आगे अभी भी छाया है। देखो क्यों अविन भाई ऐसा क्यों करते हो भाई? भैया मैं थोड़ी नहीं कर रहा हूँ ना, तुम ऐसा ही कर रहे हो। उधर से आए थे तो झट से बैठ गए पीछे, तुम आगे बैठो। इसलिए बैठा ला मैंने, कहा अब की बार तुम छांव में बैठ जाना, हमें थोड़ी नहीं माना। हाँ पहले भी तुम ही छांव में बैठे थे पीछे, अब भी छांव में बैठे हो आगे, और हमको दोनों साइड से धूप धूप में बैठा दिया। कोई बात ना भैया, झेल लेंगे हम तो। तो ये हो गया पंचर रास्ते में, हमें भी रेलवे स्टेशन जाना है। अटारी अटारी रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, इतने परमिशन तो मिली नहीं वीडियो शूट करने के आगे,
पुलिस वाले अंकल जी खड़े हैं, उन्होंने मना कर दिया कि आप इधर फोटो वीडियो ना बनाएं। ये अटारी कस्बा, अंकल जी बता रहे थे यहाँ करीब 15,000 वोट हैं, इतना पॉपुलेशन है। इधर बाघा बॉर्डर है, इधर अमृतसर है, हमें बीचों बीच अभी अटारी में। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं आप, इधर तो पंजाबी में लिखा हुआ है, इधर लिखा है इंग्लिश में सरदार साम सिंह अटारी वाला मेमोरियल। पे चारों साइड में ऐसी ही ईंटें बिछी हुई हैं। 2014 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो यहाँ पे इनके बारे में इंग्लिश में जानकारी है और इधर पंजाबी लिखी। ऐसी तोप पहली बार देख रहा हूँ मैं, तोप के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और जी ये है तोप, वहाँ पे 3-4 समाधियाँ सी बनी हुई हैं। सत श्री अकाल जी अंकल जी। सत श्री अकाल जी। ये यहाँ पे समाधि बनी है, क्या वो बना हुआ है बता सकते हैं? ये जरनैल श्याम सिंह अटारी जरनल हुए हैं। अच्छा, उनकी ये समाधि है, यहाँ उनका संस्कार किया गया था लड़ाई के युद्ध के बाद आए थे यहाँ अंग्रेज के टाइम। अच्छा, जिस समय अंग्रेज शासन था उस समय ये इनका युद्ध हुआ था सबराहों में फिरोजपुर के साथ। अच्छा, हरी के पतन के पास वहीं युद्ध हुआ था, उसके बाद इनकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई थी। तो ये उनकी बड़ी समाधि है ये वाली। हाँ, ये उनकी दासी के साथ ऊपर लिखा हुआ है, ये अच्छा। दासी है जो उनके साथ थी। अच्छा, उनकी पत्नी की है। अच्छा, उनके पूरे परिवार वालों की। हाँ, उधर वो एक बनाया है तालाब है। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह का जो पोतरा था वो यहाँ अटारी में उसकी शादी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह, ये जनरल श्याम सिंह अटारी। अच्छा, वाले अच्छा। की लड़की के साथ। तो महाराजा रणजीत सिंह का पोतरा जो यहाँ आया था तो उसके स्वागत के लिए यहाँ ये तालाब बनाया गया था, जिसमें रानियाँ नहाने के लिए जो लोग बारात में आने थे। अच्छा, हाथी घोड़े आए थे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ बनाया गया था। दूसरे महीने में 10 फरवरी को। हाँ, 10 फरवरी। कौन कौन यहाँ पे शामिल होते हैं? यहाँ सीएम साहब भी आते हैं, हर मिनिस्टर आता है यहाँ। अच्छा, हाँ, पंजाब के सभी अधिकारी आते हैं। हाँ, पंजाब के सारे डिप्टी कमिश्नर वगैरह सब वो आते हैं। तो समागम क्योंकि राजपत्री होता है ना, तो ये जो तालाब बना है तो इसमें हम देखते थे कि इतना पानी भरा होता था कि ऊपर तक पानी आता था, लोग इधर के गांव के लोग, तब पानी नहीं होता था यहाँ। तो लोग यहाँ के जो बर्तन क्या कपड़े धोने आते थे यहाँ। अच्छा, तो अब तो पानी इतना नीचे चला गया है कि पानी आ नहीं रहा इसमें, जब पानी ऊपर से बहता था। तो लास्ट टाइम कब का भरा है ये तालाब? 1971 में 71 में एक टैंक गिरा था इसमें। अच्छा, वो धोने लाए थे तो टैंक गिर गया, उसको दो दिन लगे थे निकालने के लिए। तो शायद 71 में लास्ट बार 71 में भरा है। हाँ, उसके बाद कभी पानी नहीं भरा वो। शाम के 7:30 बज गए हैं, अब हम पहुँचे हैं अमृतसर। और अभी आपने जो वीडियो क्लिप में देखा, यार थोड़ा गाने मत गाओ यार, थोड़ी राजनीति की बात चल रही है। तो वीडियो में जो आपने देखा, भाई की बात चल रही भाई, अरे वो अभी ये जो नारा लगा रहे थे ना। अच्छा, राजनीति तुम राजनीति। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया बात को दिल पर ना लें, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। बात को दिल पे ना लें, दिमाग पे जरूर लें। और एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, आप अभी हम बाघा बॉर्डर गए थे ना, उसके बारे में एक मिनट रुक जाओ यहीं यार, इधर आ जाओ इधर। अरे कहाँ, ये यहाँ सही रहेगा। हाँ,
अगर आप कभी बाघा बॉर्डर घूमना चाहते हैं अमृतसर, तो आना पड़ेगा अमृतसर से बाघा बॉर्डर जाएंगे तो अमृतसर से सीधी बस पकड़ें, 40 रुपये किराया लगता है अटारी तक, और अटारी से मात्र 3 किलोमीटर आगे है बाघा बॉर्डर, वहाँ से आराम से परेड देख के आ सकते हैं। और अटारी से रिक्शा ऑटो करके जाओगे तो, वैसे रिक्शा से जाओगे ना तो 15 या 20 रुपये सवारी लगता है एक सवारी का, तो 20 रुपये मान लो अधिकतम 40 यहाँ से 20 वहाँ से, तो 60 रुपये में बॉर्डर चले जाओ, 60 में जाओ 120 रुपये खर्च होंगे। बाकी आपकी मर्जी है, ऑटो बुक कर ले जाओ फलाना ढिमका जैसे भी जाना चाहते हो। भाई चांस हमें पाकिस्तान में अंदर लाहौर तक जाना हो तो उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है भाई। चलो अभी ना मैंने सुबह से खाना नहीं खाया भाई साहब, भाई ने तो एक बार दबा लिया तो मुझे लगी बहुत जोर की भूख, पेट में जलन हो रही है, चल के कुछ देखते हैं खाने पीने को, उसके बाद निकलते हैं। जलन आ रही, अरे पेट में आग जल रही है भूख के मारे, सुबह तक खाए काम है भैया तो ठंडा, तुम तो भैया खा पे टुल लोगे, 2 ठंडा पी लिए सुबह मतलब दोपहर में, अब ठंडा वंडा ना पीऊँ नहीं तो पेट की जो अग्नि है ना वो बुझ जाएगी, फिर रोटी ना खाई जाएंगी। इसमें रायता, ये इसमें छोले दाल फ्राई और रोटी और इतनी सी मिर्चें। रात्रि के 8:30 बजने वाले हैं, 8 बजकर भाई 22 मिनट हुए, मैं आज अपने आप से बात कर रहा हूँ। ओहो पसीना चल रहा है एसी में, पसीना देखो, एसी चला रखी है 16 नंबर पे और ऐसी एसी में पसीना आ रहा है मेरे, पसीना दिख रहा है आपको और नहीं दिख रहा तो अब दिखाता हूँ, देखो टप टप पसीना। वो क्या है कि अभी हम चल के आ रहे हैं ना, खाना खा के थोड़ी देर पैदल चले थे, जैसे कि खाने का पचाव भी बढ़िया हो जाए और पैसे भी बच जाएं, दोनों काम बढ़िया हो गए। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।